गोसाई जी ने दर्द को भी दुआ समझा, करुणा में भी कृपा जानी, दीनता को भी दया समझा। सुनाते सुनाते कहते हैं, जिस कुटिया में हम रहते थे वो कुटिया ऐसी थी कि जिसमें मेरी पार्वती अम्मा सीधा भी खड़ी नहीं हो पाती थी। कब पानी गलावे और कब धूप तपावे पता ही नहीं लगता था। उसके बाद भी मेरी अम्मा कहती थी, बेटा जिसको राम जी तपस्या कराते हैं ना, उसको ऐसा ही महल देते हैं। बाबा तुलसी कथा कहानी अपना प्रसंग सुनाते सुनाते कहते हैं, मेरी आदि गुरु मेरी तपस्विनी पार्वती अम्मा रही है। मैंने दरिद्रता में भी इतना वैभव, दुर्बलता में इतनी शक्ति और कुरूपता में भी ऐसा सौंदर्य रामू पूरे जीवन में नहीं देखा जो मेरी पार्वती अम्मा में था। तब बेणी माधव जी जो उनके पुराने सखा थे, उन्होंने कहा, क्या वो पार्वती अम्मा ही आपको पढ़ाइन लिखाइन? बोले, ना ना, वो तो मुझे इतना सिखा गई कि जब भी भीड़ पड़े तो हनुमान को टेरो, हनुमान जी से गुहार लगाना बेटा कि हे हनुमान स्वामी, आप राम जी के दरबार में हमारी अरदास लगा दो, उस द्वार तक पहुंचा दो जिस द्वार पर जाकर हम अपनी भली बुरी उनसे निवेदन कर सकें। केवल माँ तो इतना ही सिखा गई कि जब जब कोई भीड़ पड़े तो हनुमान को टेरो,